हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लांट साइंस वर्ल्ड। आज हम लोग पैथोलॉजी पोर्शन की नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। आगे जाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लेते हैं। रस्ट का मतलब क्या होता है? पेल लीफ स्पॉट, लीव्स पे स्पॉट होते हैं जो कि डेवलप होते हैं, स्पोर की तरह स्ट्रक्चर बनते हैं, जिन्हें कि पस्ट्यूल्स भी कहते हैं। अब अगर पस्ट्यूल्स की बात करें तो पस्ट्यूल्स जो होते हैं वो लोअर लीफ सरफेस पे पाए जाते हैं, जनरली ऑरेंज, येलो, ब्राउन और ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया है वाइट रस्ट। फिर क्रूसीफेरी फैमिली की बात करें तो एक बड़ा सुंदर सा यहाँ सरसों का पौधा लगा है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सरसों है। उसके अलावा क्या पाए जाते हैं? कैबेज फैमिली, मतलब गोभी, ब्रोकली और मूली, जो इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। वाइट रस्ट क्रूसीफर्स जो डिज़ीज़ होती है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है एल्बिगो कैंडिडा। वाइट रस्ट को वाइट ब्लिस्टर्स भी कहते हैं। ओके, ब्लिस्टर्स का मतलब होता है कि मास ऑफ वाइट डस्ट लाइक स्पोर, मतलब काफ़ी ज़्यादा होते हैं और डस्ट की तरह, मतलब स्पोर्स जो होते हैं जब हवा चलती है तो वो उसमें उड़ते हैं और एक इन्फेक्टेड प्लांट से दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। अब इसमें जो प्लांट हैं वो वाइल्ड भी हैं और कल्टीवेटेड भी हैं। कल्टीवेटेड में हम लोग गोभी, मूली ये सब खाते हैं। वाइल्ड प्लांट भी हैं इसमें, नॉस्ट्रोटियम इंडिकम, क्लियोम विस्कोसा। ओके, वाइट रस्ट जो होता है वो जब डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ के साथ होता है तो वो सीवियर डैमेज कॉज करता है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ क्रूसीफर्स जो कि होती है बाय पर्नोस्पोरा पैरासिटिका, इसमें जो होता है येलो वाइट पैच होते हैं अपर सरफेस पे। देखिए मैंने बताया वाइट रस्ट डिजीज़ जो होती है ये लोअर सरफेस ऑफ लीफ पे होती है, लेकिन इसमें अपर सरफेस पे होती है ओल्डर लीव्स के, और वो पूरा एरिया कवर्ड हो जाता है कॉटन लाइक ग्रोथ, वाइट वाइट कॉटन थ्रेड की तरह ग्रोथ हो जाती है उस पर। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्योंकि ये फंगल डिजीज़ है तो किंगडम फंजाई, क्लास ओमाइसीड्स, ऑर्डर पर्नोस्पोरेल्स, फैमिली एल्ब्यूजिनेसी, जीनस एल्ब्यूगो एंड स्पीशीज कैंडिडा। इसमें जो सिम्टम्स होता है उसको दो में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, लोकलाइज्ड में और सिस्टेमिक में। लोकलाइज्ड का मतलब जब ये इन्फेक्शन सिर्फ आपका लोअर सरफेस पे हो, स्टार्ट होता है लीव्स के लोअर सरफेस से, होता क्या है वाइट क्रीमी पस्ट्यूल्स बनते हैं, पस्ट्यूल बताया, स्पोर जैसा स्ट्रक्चर, मतलब एक उभार होती है जो कि अलग अलग शेप और साइज़ के बनते हैं, कहाँ कहाँ लीव्स पे, स्टेम पे और इन्फ्लोरेसेंस पे। ये जो पस्ट्यूल्स होते हैं ये फर्दर अपीयरेंस में पाउडरी हो जाते हैं, पाउडर की तरह। जब कब? जब होस्ट एपिडर्मिस रप्चर करता है, बिकॉज स्पोरेंजिया नाउ गेट एक्सपोज्ड। जब एपिडर्मिस रप्चर कर जाएगा तो स्पोरेंजिया एक्सपोज्ड आउट हो जाएगा। जबकि जो आपका सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है वो न्यू स्टेम एंड इन्फ्लोरेसेंस पे होता है, मतलब कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, और उसमें भी क्या, न्यू स्टेम एंड इन्फ्लोरेसेंस। दो टर्म है यहाँ, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रॉफी को लिखा है ओवर डेवलपमेंट, एंड हाइपरप्लेसिया क्या होता है इसे ऐसे समझिए कि इनिशियल स्टेज ऑफ कैंसर, मतलब इनलार्जमेंट होता है ऑर्गन और टिश्यू का और रैपिड डिवीज़न होता है, बहुत तेज़ी से डिवीज़न एकाएक से होने लगता है। इसके बाद यहाँ पे दो डायग्राम्स में मेंशन किया गया है कि जब इन्फेक्शन लोकलाइज्ड होता है तब, और जब सिस्टेमिक होता है तब। जब लोकलाइज्ड होता है तो इन्फेक्शन, ये देखिए लीव्स की लोअर सरफेस पे दिखाया गया है वाइट वाइट कलर के पस्ट्यूल्स पूरा, और जब सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है तो ये मूव करने लगता है टुवर्ड्स इन्फ्लोरेसेंस, टुवर्ड्स स्टेम, मतलब एरियल लीफ पार्ट जो होता है उसमें लगभग कुछ नहीं बचता है, सारे पार्ट्स में होता है एक्सेप्ट रूट्स। ओके, फिर इसके बाद आते हैं इसकी डिजीज़ साइकिल पे। इसमें आप देखेंगे कि डिजीज़ प्लांट ले लीजिए या इन्फेक्टेड लीफ ले लीजिए, उस इन्फेक्टेड एरिया का जब आप TS कट करते हैं तो आपको इस तरीके से ज़ूस्पोरेंजिया मिलते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो ये क्लब शेप्ड होते हैं, बेसिपिटल मैनर में अरेंज होते हैं। जर्मिनेशन की बात करेंगे तो स्पोरेंजियम में बहुत सारे ज़ूस्पोर्स होते हैं, ये ज़ूस्पोर्स किडनी शेप और बाइफ्लैजिलेट होते हैं, इनसे ये रिलीज़ करते हैं। फिर इनका जर्मिनेशन होता है
फेवरेबल कंडीशन आने पर थ्रू द जर्म ट्यूब एंड फर्दर ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जबकि सेक्सुअल साइकिल की बात करेंगे तो जो सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है इन्फ्लोरेसेंस पे या प्लांट के बाकी पार्ट्स पे, जिसमें पूरा प्लांट ही लगभग ख़त्म हो जाता है, ओवर विंटरिंग ओस्पोर्स जो होते हैं उनके थ्रू होता है। यही ओस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं जो कि आगे बनाते हैं जू स्पोर्स, वो जर्मिनेट करते हैं थ्रू जर्म ट्यूब और फिर इन्फेक्शन कॉज करते हैं और प्लांट डिजीज्ड हो जाता है। डिजीज़ साइकिल में तीन चीज़ें हमेशा बताई जाती हैं, पेरिनेशन, प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। पेरिनेशन का मतलब है ये डिजीज़ पेरिनेट कहाँ से की, आई कहाँ से। तो जैसे आप जानते हैं ऊ स्पोर के थ्रू ये डिजीज़ कॉज होती है। ये जो ऊ स्पोर्स होते हैं ये सॉइल्स के थ्रू आ जाते हैं या जो आपके डिजीज़ प्लांट की डेब्रिस होती है उनके थ्रू। अब होता क्या है, जैसे सरसों का सीज़न ख़त्म हुआ, आपने सरसों के बीज निकाल लिए, लेकिन वो सरसों जब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसमें उन सीड्स के साथ मान लीजिए कुछ प्लांट डेब्रिस आ गई, इन्फेक्टेड लीफ आ गई, स्टेम आ गए, तो उनसे ये डिज़ीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। और जो आपका प्राइमरी इन्फेक्शन होता है दैट इज़ बाय वो स्पोर्स, पेरिनेशन के थ्रू ही प्राइमरी इन्फेक्शन लगभग हो जाता है। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो होता है बाय स्पोरेंजिया बाय जू स्पोर्स, जो कि बनते हैं बाय प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन से ही जब आगे जर्मिनेशन होता है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है एंड दैट इज़ बाय स्पोरेंजिया एंड जू स्पोर्स। अब जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है इस डिज़ीज़ का पर्टिकुलर फंगस दैट इज़ एल्बिगो कैंडिडा, ये क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि अगर इसको सुटेबल होस्ट ना मिले तो इट विल फेल टू रिप्रोड्यूस, ये अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा, इसको होस्ट चाहिए। और कंपोज ऑफ एसेप्टेट सीनोसेटिक ब्रांच्ड कलरलेस इंटरसेलुलर हाइफी, जब सेप्टा एब्सेंट होगा तो अपने आप ही वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाएगी। ब्रांच्ड होते हैं ये, कलरलेस होते हैं और सेल्स के बीच में पाई जाने वाली हाइफी होती हैं। क्लब शेप्ड होते हैं, क्लब का मतलब गुंबद के आकार के, स्पोरेंजियोफोर ऑफ इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। स्पोरेंजियोफोर जो होते हैं वो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं इन चेन्स, ये देखिए ये लंबे से जो चेन के फॉर्म में बने हैं ये। अब इसमें क्या होता है, ये बेसिपिटल मैनर होता है। बेसिपिटल का मतलब जो सबसे पुराना वाला है वो सबसे ऊपर और नीचे से नए 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 बनते जाते हैं। ओल्डेस्ट जो है होता है वो ऊपर होता है और यंगेस्ट जो होता है वो नीचे होता है एट द बेस ऑफ चेन। स्पोरेंजिया जर्मिनेट करते हैं 1 से 12 बाइफ्लैजिलेट किडनी शेप्ड जू स्पोर। जू स्पोर का स्ट्रक्चर आपने आगे भी देखा था, किडनी शेप्ड होते हैं और बाइफ्लैजिलेट होते हैं, ठीक। और ये जर्मिनेट करते हैं डायरेक्टली थ्रू जर्म ट्यूब। इसके बाद अगर इनके सर्वाइवल की बात करें तो ये सॉइल में, मिट्टी में सर्वाइव करते हैं एज ऊ स्पोर। ऊ स्पोर मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन भी यही कॉज करते हैं। इसके अलावा सीड में एज अ प्राइमरी इनोकुलम, इसके अलावा पेरिनियल वीड, ध्यान रखिएगा वीड नॉट क्रॉप, जैसे कि हॉर्स रेडिश मतलब जो सरसों या गोभी के खेत में इस तरह की वीड जो कि बहुवर्षीय होती है, मतलब टाइम टू टाइम इनको निकालना ज़रूरी है, उनमें ये सर्वाइव कर जाते हैं। और अगर उस क्रॉप के थ्रू ये वीड भी गई तो ये फर्दर अगले सीज़न में भी पेरिनेशन हो जाता है और इन्फेक्शन कॉज होने का डर रहता है। सेकेंडरी स्प्रेड होता है इनका स्पोरेंजिया एंड जू स्पोर्स। और फेवरेबल जो कंडीशन है इनकी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% एंड टेम्परेचर 5 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे डायग्राम मेंशन किया गया है, ब्लैक एंड वाइट है, बट स्टिल आप इसमें देख सकते हैं कि वाइट रस्ट पस्टूल्स किस तरीके से दिखते हैं। और जब आप उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड रीजन का TS काटते हैं तो स्पोरेंजियोफोर का अरेंजमेंट आपको दिखेगा वही बेसिपिटल मैनर में। और क्योंकि एल्बिगो कैंडिडा है तो ये आगे चल के कोनिडियो स्पोरेंजिया भी इसको कह दिया जाता है। फिर आगे इस डिज़ीज़ का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप सर्टिफाइड सीड लीजिए, मतलब उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन फ्री हो। उसके अलावा अगर आप थोड़े भी डाउटेड हैं तो सीड को टाइम ट्रीट कर देना चाहिए कुछ फंजीसाइड अवेलेबल होते हैं उनसे, जैसे कि मेटालिक्सिल यहाँ पे दिया है।
इसके बाद वीड्स का रिमूवल करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर उन वीड्स में वो डिज़ीज़ होगी और वो दैट पर्टिकुलर क्रॉप के साथ गए तो वो फिर फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तीसरी चीज़, जैसे आपने सरसों ले ली तो उसके बाद जो बाकी की प्लांट डेब्रिस बची है, पत्ती है, तना है या इन्फ्लोरेसेंस है, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। क्रॉप को रोटेशन में लगाना चाहिए। रोटेशन में इसलिए कि अगर सॉइल में स्पोर के फॉर्म में वो पड़े भी होंगे तो अगले सीज़न में आप दूसरी क्रॉप लगाइए जिन पे वो इन्फेक्शन ना कॉज करते हों। तो जब उन्हें सूटेबल होस्ट नहीं मिलेगा तो वो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाते हैं, उनकी साइकिल पूरी नहीं होती है। डीप प्लविंग, गहरी खुदाई करनी चाहिए, जल्दी बुआई करनी चाहिए, बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ करने चाहिए जिसमें कि नाइट्रोजन कम हो। इसके अलावा स्प्रे करने के लिए, मतलब बहुत सारे फंजीसाइड आते हैं, अगर किसी तरह की डिज़ीज़ कॉज करती है तो टाइम टू टाइम उन्हें स्प्रे भी किया जाता है, जिसमें कि मैनकोजेब है और रिडोमिल है, जो कि मिक्सचर ऑफ मेटाग्जिल 64% एंड मैनकोजेब है 8%। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। दिस विल मोटिवेट मी टू मोर अपलोड वीडियो, फर्दर अपलोड वीडियोज़। थैंक यू।